देश का जिक्र एक बार फिर से, जहां सस्पेंस लगातार चल रहा है, सस्पेंस सीएम फेस को लेकर आपने स्थिति जानते हैं। नतीजों के 4 दिन बाद भी अभी भी नाम स्पष्ट नहीं हो पाए, सबके मन में सवाल ये है कि आखिर कौन मध्य प्रदेश का नया सरताज बनेगा। मुख्यमंत्री के दौड़ में शिवराज समेत कई नामों पर चर्चा लगातार चल रही है और इस बार भाजपा ने सत्ता में रहते बिना सीएम फेस घोषित किए चुनाव लड़े और अब भाजपा के कई दिग्गज चुनाव जीत चुके हैं। चूंकि केंद्रीय मंत्री, सांसद, राष्ट्रीय महासचिव भी चुनाव जीते हैं, विधायकी का तो प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत कर आए हैं। भाजपा के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके नामों पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। अभी भी ये नाम जो है उन्हें लेकर कोई स्पष्ट नतीजा सामने नहीं आता है। ये मान रहे हैं कि शायद संगठन में भी अभी गुत्थम गुत्थी, अभी वहां पर भी चर्चाओं का दौर है। जब वहां से मामला स्पष्ट हो पाएगा तब जाकर ये कोई नाम सामने आ सकता है, लेकिन प्रबल दावेदार कौन है ये आपको न्यूज 18 लगातार दिखा रहा है। प्रहलाद पटेल हूँ, कैलाश विजयवर्गीय हूँ, अच्छे खासी बहुमत के साथ चुनाव जीता है। नरेंद्र सिंह तोमर इधर ग्वालियर चंबल अंचल पर फोकस बरत रहे थे, विधायकी का चुनाव वो भी जीते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, हमेशा इससे ही सीएम की कुर्सी को लेकर उनकी चाह रह रहकर सामने आती रही। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। ये तमाम ऐसे नाम हैं जो कि सीएम की दौड़ में नजर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान क्योंकि 18 साल से मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं, उन्हें लेकर भी हो सकता है कि चर्चाएं पार्टी में आंतरिक तौर पर चल रही हूं। तो ये प्रबल दावेदारों की सूची है। तो जब तक नाम स्पष्ट नहीं होते हैं तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जरूरी यही है कि जल्द से जल्द पार्टी इस आंतरिक मसले को सुलझाए और उसके बाद ये पता चले कि आखिर कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाला है। बड़ी बात यह है कि जो सूची है उसमें भी कई ऐसे नाम हैं जो कि सांसद के तौर पर काम कर चुके हैं, केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। हर व्यक्ति, हर नेता एक से बढ़कर एक है, तो बहुत ज़रूरी ये कि बीजेपी अपने स्तर पर एक अच्छे नाम को लेकर सामने आए, जिसके चलते आप ये कह सकें कि सत्ता और ज्यादा लंबी उनकी चलने वाली है। सीधे आपको लिए चलेंगे भोपाल से कि वासु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, जरा बताइएगा, चूंकि स्थिति अब आपसे जितनी बार आपसे बात हो रही है उतनी बार वही सवाल कि मुखिया कौन होगा, क्या चल रहा है आखिर पार्टी में? हाँ बिल्कुल अवंतिका, देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आ चुके हैं और 3 दिसंबर के बाद 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है और सस्पेंस यही है कि मध्य प्रदेश में सत्ता का सरताज कौन होगा, यानी कि सत्ता का चेहरा कौन होगा। बीजेपी को जनता ने भारी बहुमत दिया है, प्रचंड बहुमत दिया है, लेकिन इस सबके बीच तमाम जो बड़े नेता हैं जिनको आगे करके बीजेपी ने यह चुनाव लड़ा था, हालांकि सीएम का दावेदार कोई नहीं था, सीएम का फेस कोई नहीं था, लेकिन भोपाल से लेकर तमाम क्षेत्रों में हमने जो बैनर पोस्टर देखे उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पीएम मोदी का, जेपी नड्डा का, अमित शाह का फोटो तो नजर आ रहा था, लेकिन उसके अलावा आप देखें तो तमाम बड़े नेता, चाहे वीडी शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंह हो, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ये सारे नेता जो हैं इनको कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के पटल पर छाए हुए थे और बीजेपी की रणनीति भी थी कि इन तमाम बड़े नेताओं को अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि ना सिर्फ उनकी सीटें जीते बल्कि आसपास की सीटों पर भी उसका असर, और हुआ भी ऐसा ही, जैसा बीजेपी ने रणनीति बनाई थी बीजेपी वो करने में भी कामयाब हुई। 12 मंत्री बीजेपी के चुनाव जरूर हारे, लेकिन इस सबके बीच बीजेपी को 166 का प्रचंड बहुमत मध्यप्रदेश में मिला है। अब बड़ा सवाल यही है कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अभी तक बीजेपी के लिए सत्ता की बागडोर संभाल रहे थे उनका नाम चर्चा में है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, सभी नाम एकदम प्रबल हैं। देखने वाली बात की पार्टी का फैसला क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका वासु, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं सीएम फेस को लेकर लगातार मंथन की स्थिति। बहरहाल अब आपको दिखाएंगे खबरों को लेकर टॉप 20 खबरें।